It's a very good movie, must watch. Sriram Raghavan is back, and the way Tabu and Ayushman Khurrana has performed in the movie, it's extraordinary. In the climax, you cannot even expect, and you must watch the movie Andhadhun. Ayush, बहुत अच्छी एक्टिंग है आयुष्मान खुराना की भी, एंड द वे ही पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज अ ब्लाइंड पियानिस्ट इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ देम टू वॉच द मूवी. स्टोरी बहुत अच्छी है, लास्ट तक समझ नहीं आता स्टोरी में क्या होता है, जकड़ के रखती है मूवी आपको और बहुत मजा आएगा मूवी. जायज़ बहुत सारे, दो तीन अच्छे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी दिए हैं और कैसे क्या होता है आपको मूवी देखो तभी आपको मालूम पड़ेगा. सबसे मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा? मूवी का बेस्ट पार्ट मुझे लगा आयुष्मान खुराना तबू की जो केमिस्ट्री है, दोनों ने जिस हिसाब से एक दूसरे को ट्राई किया है करने का, वो बहुत अच्छा है मूवी का. बेशक और फोर थैंक यू. मैं बता रहा हूँ सुबह का शो था, 50-50 रुपये में टिकट बिक गई तो हमें ऑफ मिला था. तो पहला हाफ बहुत सही है, बहुत मस्त है, पहला हाफ बहुत अच्छा है और सेकंड हाफ उतना ही वाही आता है. एक कंगारू का काम देखने वाला है मूवी में, शुरुआत में आता है और क्लाइमेक्स में आता है. आयुष्मान की एक्टिंग कैसी? यार अच्छा लगा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया एक्टिंग, लेकिन खरगोश ने बहुत अच्छा काम किया. खरगोश ने जो उसमें तो क्लासिक है और सेकंड में ना डायरेक्शन भी, डायरेक्टर का जो फोकस था ना वो खरगोश पे था एक्चुअली. कितने स्टार देंगे 5 में? इसे 10 कम से कम, इसे 10 मिलने चाहिए. चलिए सर, मूवी वाज गुड बट इट हैड लाइक अ सस्पेंस थ्रिलर एंड द पार्ट्स दैट आयुष्मान प्लेड वाज रियली गुड एंड द थिंग्स दैट द प्रॉब्लम्स ही गेट इनटू एंड ऑल द थिंग्स वाज क्वाइट अ गुड इंटरेस्टिंग पार्ट इन द मूवी. आई जस्ट फाउंड Tabu वेरी वेरी नाइस एंड या इट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. Story different than what we usually see in the Bollywood movies and like a good movie, a one time watch movie I would say. Story message काफी कुछ था मूवी में, क्या कुछ मैंने रहा अभी तक. वापस राधिका को ले लिया ऐसे मूवीज में नहीं, इट वाज जस्ट अ डिफरेंट मूवी, समथिंग डिफरेंट एंड नाइस फैमिली मूवी. किसे देखना चाहेंगे फिल्म? नहीं, वन टाइम वॉच. वन टाइम वॉच 3.5. 3.5. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हां सो कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है और मुझे लगता है सभी को देखना चाहिए फिल्म. सब कुछ अच्छा है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, डायरेक्शन तो कमाल, मुझे लगता है सभी को जाना चाहिए. आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी? सुपर्ब. स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब अनएक्सपेक्टेड है चीज़ें बहुत सारी और डायलॉग्स भी बहुत कमाल के हैं, हंसी भी आती है, पंचेस भी हैं बहुत अच्छे, ऑडियंस बहुत इन्जॉय कर रही थी. तो काफ़ी कुछ मैसेज देती है मूवी. हाँ मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, नुएंसेस कुछ ऐसे ऐसे हैं जो सिर्फ टच करके निकलती है और फिल्म को आप थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है जब हम अभी निकले और सोच रहे हैं तो और बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद और भी चीज़ें और समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं चीज़ें, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत सारी हैं, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म ही याद रखने लायक है, अच्छी फिल्म है. मूवी का कोई वीक पार्ट? नहीं है सच तो अभी नहीं बोल पाऊँगा मैं कोई भी वीक पार्ट. कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? 4. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म, मस्त. आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत. स्टोरी आयुष्मान खुराना स्टोरी तो माइंड ब्लोइंग है. मूवी मैसेज भी देती है तो क्या कुछ मैसेज जो भी देती है, लेकिन फिल्म अच्छी लगी क्योंकि उसमें आयुष्मान खुराना का एक्टिंग, तबू का एक्टिंग, जो कहानी का जो स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ता है वो बांध के रखता है. म्यूजिक तो जबरदस्त, म्यूजिक ठीक है. फिर से देखना चाहेंगे फिल्म? बिल्कुल. कितने स्टार हैं आउट ऑफ 5? 4. थैंक यू सो मच. सो कैसी लगी फिल्म? ऑसम. आई थिंक मैंने पिछले 2-3 साल में पहली बार इतनी गजब मूवी देखी है, जिसको भी जो नई भी मूवी देखता है उसको देखना चाहिए. आयुष्मान की एक्टिंग कैसी है? आयुष्मान एक्टिंग सभी के वास्ते बहुत अच्छी फिल्म. स्टोरी लाइन कैसी है? रिवील नहीं करूंगा लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत गजब है. मूवी का कुछ मैसेज भी किस तरह दिखाती है मूवी मैसेज ये सब के बारे में? सबसे अच्छी बात है मैसेज फोर्स नहीं करती, सटलिटी से जैसे फिल्म में होना चाहिए. सो एवरीथिंग इज ऑसम, मतलब मेरे बस सिंपली एक बात है, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, मूवी आके देखनी चाहिए बस. डायरेक्शन कैसा था? सब गजब, एकदम गजब. राइटिंग बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, म्यूजिक इज ऑसम, एवरीथिंग, साउंड, मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है. फिर से
चार बार टिकट कोई भी दे दे, अपने पैसे से भी देख सकता हूँ, दूसरे के पैसे से भी देख सकता हूँ। क्रॉस कर जाऊँगा 6-7-8 स्टार दे सकता हूँ। अच्छी मूवी थी, इसमें मुझे आयुष्मान खुराना बहुत पसंद आया, एंड दैट वो सीन अच्छा था जब आयुष्मान खुराना लाइक प्लेइंग एंड वो सारा मर्डर केस एंड समथिंग वो सब कुछ हैपन हो रहा है, तो यह बहुत अच्छी मूवी थी। मुझे तब्बू बहुत पसंद आई इसमें, एंड दैट पुलिस मैन वॉज ऑल्सो गुड, एंड जो उसके दो लाइक जो एक ऑटो रिक्शा वाला एंड लॉटरी वाली रहती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट थे मूवी के, मुझे पसंद आया। डायरेक्शन मूवी का बहुत अच्छा था, लाइक मैंने लास्ट टाइम मनमर्जिया देखी थी तो उसमें लाइक एक्टर्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन मूवी का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन ये सब नहीं अच्छा था, तो उसके हिसाब से ये मूवी उससे मच बेटर और एक्सपेक्ट नहीं किया था उस हिसाब से बहुत अच्छी है। मूवी क्या कुछ मैसेज देती है? लाइक अभी इस मतलब इस दुनिया में अभी जो ये चल रहा है किसी पे बिलीव नहीं कर सकते आप, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर रहा है, तो इसमें यह है कि किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव मत करो। जो मैंने बताया वो आयुष्मान खुराना प्ले कर रहा है पियानो एंड वो सारा सब कुछ सीन क्रिएट हो रहा है, वो मर्डर हो रहा है, फिर वो उसको बैग में पैक कर रहा है, तो वो सबसे अच्छा था। देखना चाहेंगे मूवी? हाँ। कितने स्टार आउट ऑफ 5? 4.5। थैंक यू सो मच। बड़ी कम कैसे लगी फिल्म? फिल्म बहुत ही अच्छी है, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इस फिल्म का, मतलब जो स्टार्टिंग सीन है वो एंड सीन तक कनेक्ट रहता है वो फिल्म का, और इस फिल्म में खास ये है कि कॉमेडी हो रही है, जो सीरियस सीन है उसके अंदर भी हम हंसते हैं, कॉमेडी होती है, सामने मर्डर चल रहा है हमको हंसी आ रही है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जो म्यूज़िक को यूज़ किया है सीन के बीच में, मतलब गानों पे ध्यान नहीं जाता है क्योंकि हम कहानी में घुसे हुए हैं, तो ये जो बॉलीवुड में जो है ऐसी कहानियाँ बहुत कम बन रही है, और जब ऐसी कहानियाँ बनती है तो इसको थिएटर में जाए सब लोग और सपोर्ट करें, मुझे ऐसा लगता है, तो अंधाधुन हर किसी ने थिएटर में देखनी चाहिए। इसका पहले तो ट्रेलर ही ऐसा था कि हर कोई ट्रेलर को देख के ही सोच रहा था कि ये फिल्म को देखना चाहिए, और फिल्म देखते तो और भी मज़ा आ जाता, तो बस ये फिल्म देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज़बरदस्त, आयुष्मान खुराना पहले भी अपने एक्टिंग साबित कर चुके हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने बरेली की बर्फी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो और राधिका आप्टे तो है ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस, और बाकी जो सब लोग थे तब्बू भी थी, उन्होंने अभी मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग की, इतने दिनों बाद पर्दे पे आई, नहीं पहले भी आई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सभी लोग, ओवरऑल पूरी फिल्म एकदम बेहतरीन है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इसे देखनी चाहिए। मूवी का कोई बेस्ट पार्ट जो हमको हमेशा याद रहेगा? बेस्ट पार्ट तो यार पूरी फिल्म, मुझे तो पूरी फिल्म ही याद रहेगी क्योंकि एक अंधे का कैरेक्टर किया, पहले अंधा नहीं होता है तब भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, बाद में अंधा हो जाता है, और आखिरी में जो एक छोड़ा है कि एक झूठी स्टोरी उसने बताई है, ये मान सकते हैं कि वो आखिरी में कैन को मारता है और तब पता चलता है अरे ये तो अभी भी देख सकता है करके, तो एक कहीं ना कहीं वो कहानी छोड़ी है जिसकी वजह से वो दिमाग में तो रहेगी कहानी काफ़ी टाइम। फिर से देखना चाहेंगे? फिर से नहीं देखूँगा। 4.5।